हेलो हाय नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल स्टे परफेक्टली इम्परफेक्ट। एंड यस, वेलकम टू दिस सेक्शन वेयर आई एम शेयरिंग माय ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी विद यू ऑल। हमने सक्सेसफुली 5 वीक्स कंप्लीट कर लिए हैं एंड यस, एवरीथिंग इज गोइंग गुड एज ऑफ नाउ। और वर्कआउट के हिसाब से तो मैं बहुत अच्छा कर रही हूँ एंड आई एम वेरी हैप्पी विद द प्रोग्रेस एंड द रिजल्ट्स। बट यस, लास्ट वीक थोड़ा सा डाइट के हिसाब से गड़बड़ हो गया, क्योंकि मैंने क्या किया था कि कुछ चेंजेस किए थे अपनी डाइट में, जिसमें मैंने टोफू ऐड किया था। सिंस मैं सोया चंक्स नहीं खा पाती हूँ, मैंने ट्राई किया है पहले, मुझे बहुत सारे पिंपल्स आ जाते थे, तो मुझे लगा कि ये चंक्स क्योंकि डाइजेस्ट नहीं होते, तो पिंपल्स से भी ज्यादा मुझे डाइजेशन का प्रॉब्लम हुआ था सोया चंक्स खाने के बाद। तो मुझे लगा कि हो सकता है कि वो मुझे सूट नहीं करते, तो मैंने सोया अवॉइड कर रखा था। बट फिर मुझे लगा कि यार मुझे थोड़ा सा भूख लग रही थी बीच में, तो मुझे लगा कुछ ऐसा सब्स्टिट्यूट ऐड करती हूँ जो थोड़ा फीलिंग भी हो प्लस प्रोटीन रिच भी हो। तो मैंने टोफू को ऐड करने का सोचा, तो मुझे आज भी लगता है मैंने क्यों सोचा, बट ठीक है, मैंने उसको ऐड किया अपने डाइट में। और 2 या 3 दिन मैंने 2 दिन खाया, आई वॉज फीलिंग लाइक पहले दिन ठीक था, दूसरे दिन भी ठीक था, बट तीसरे दिन से मुझे डाइजेशन का प्रॉब्लम होने लगा। मतलब बिल्कुल भी डाइजेशन, मतलब ऐसा लग रहा था कि मुझे वॉमिट हो जाएगा, खाना पेट में ही भरा हुआ है। बहुत डिफिकल्ट हुआ था कि मतलब बहुत ही अनईजी फील हो रहा था। एक दिन तो ऐसा गया कि मैं कुछ खा ही नहीं पाई, मुझे लगा अगर मैंने कुछ भी खाया तो मैं उल्टी कर दूंगी। वो सिर्फ और सिर्फ मुझे लगता है कि टोफू की वजह से ही हुआ होगा, क्योंकि मेरा प्रायर एक्सपीरियंस सोया को लेकर ठीक नहीं था। फिर मैंने जैसे ही मुझे वो थर्ड डे पे वेंसडे को ऐसा फील हुआ, मैंने बंद कर दिया उसी दिन से टोफू खाना। और मैंने ट्राई किया कि उससे जो भी प्रोटीन मैंने बैलेंस किया था उसको मैं किसी और फॉर्म में ले लूं। तो मैंने थोड़ा बहुत योगर्ट ऐड कर लिया अपने डाइट में और बैलेंस करने की कोशिश की। तो 4th-5th डे में मेरे साथ ये हुआ कि मुझे और वो अनईजी बिल्कुल फील नहीं हुआ, लेकिन सोया की वजह से आप देख सकते हो कि ये जो मुझे पिंपल्स आए हैं ये उसी के वजह से, टोफू के वजह से। हो सकता है इनडाइजेशन हुआ उसके वजह से, क्योंकि मेरा जो बॉडी है वो इसी टाइप का है। मैं कुछ भी खाती हूँ अगर वो गलत है, अगर वो ऑयली है, बहुत ज्यादा शुगरी है, तो वो मेरे चेहरे पे तुरंत उठ के दिखता है पिंपल्स और एक्ने के फॉर्म में। तो वही इस बार भी हुआ, क्योंकि मुझे इनडाइजेशन हुआ तो ये हो गया मेरे साथ। आई वॉज फीलिंग वेरी सैड, क्योंकि पिछले 4 वीक्स में मैंने आपको शायद शेयर भी किया था कि मेरा चेहरा बहुत साफ हो रहा था पहले से, एंड आई वॉज वेरी हैप्पी कि चलो ठीक है अभी मेरी स्किन सुधर रही है। बट टोफू की वजह से ऐसा हो गया, बट ठीक है चलो कोई बात नहीं, मुझे बस ट्राई करना था। तो अब नहीं बचा तो कोई बात नहीं, बट मैंने कुछ चीजें उसके बाद, जो अगर आपको लगता है कि आपको ऐसे इनडाइजेशन हो रहा है, तो मैं फटाफट से ट्राई करना गुआवा खाने का। गुआवा जो होता है उसमें डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, बहुत अच्छे से आपका पेट साफ करता है। तो मैंने भी वही किया, तो वो मुझे 2-3 दिन लग गए, क्योंकि वो इनडाइजेशन की वजह से मेरे को ब्लोटिंग हो गया, पेट फूल गया, मेरा इवन 1 किलो वेट बढ़ भी गया था अगले दिन, क्योंकि वो खाना डाइजेस्ट होके बाहर ही नहीं जा पा रहा है बॉडी से। तो इट वॉज नॉट अ गुड एक्सपीरियंस, बिल्कुल अच्छा नहीं था, और थोड़ा सा वीक भी फील कर रही थी मैं, क्योंकि बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। बट ठीक है चलो, अभी एवरीथिंग इज फाइन, मैंने अपना डाइट चेंज कर दिया है एंड नाउ मैंने कसम खा ली है कि अब मैं सोया से रिलेटेड कोई भी चीज ऐड करूंगी ही नहीं अपनी डाइट में। तो मैं बस यही बोलूंगी आपको कि अगर ऐसा कुछ होता है तो कोई बात नहीं, ठीक है, अभी आप एक्सपेरिमेंटल फेज पे हो, आप चीजें ट्राई कर रहे हो, आप देख रहे हो आपकी बॉडी को सूट कर भी रहा है कि नहीं कर रहा है, तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है, यू कैन डू द एक्सपेरिमेंट्स। बट हाँ, बस यही करना कि क्वांटिटी थोड़ा कम रखना। मैंने यही गलती की थी कि मैंने पूरा 100 ग्राम ऐड कर लिया था, तो क्वांटिटी थोड़ी ज्यादा ही थी, तो थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। तो डाइट के हिसाब से अब बता देती हूँ मैं कि एट दी एंड ऐसा हुआ है कि मेरा वेट जो है वो 400 या 500 ग्राम बढ़ा है। ठीक है, कोई बात नहीं, इट्स फाइन, नो प्रॉब्लम, हम नेक्स्ट वीक में इसको कोप अप कर लेंगे, कवर अप कर लेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। एक आध वीक चलता है, और ये वीक थोड़ा इधर उधर भी हो गया, मतलब मैं मेंटली भी थोड़ा सा वो इतना फील नहीं कर रही थी, तो मैंने 2 वीक रेस्ट लिए। ठीक है, बस हाँ मैंने वर्कआउट का ऐसा किया कि मतलब मैंने जो अपने तीनों है, मतलब अपना चेस्ट है और शोल्डर है, ट्राइसेप है और बाकी बैक बाइसेप है एंड लेग है, वो पूरा अपना एक एक दिन सबको किया। दूसरे दिन में एक दिन कार्डियो किया और एक दिन मैंने फिर वापस से अपना बैक रिपीट किया। तो मतलब मैंने एक्सरसाइज थोड़ा सा वेरिएशन के साथ कर ली। तो मैं सब कोशिश कर रही हूँ कि अभी मैं अच्छा फील कर रही हूँ, तो मैं नेक्स्ट वीक से अब मैं वापस से अपने रूटीन में लग जाऊंगी। और ये वीक में फॉर श्योर आई एम जस्ट प्लान, मतलब थिंकिंग कि सब अच्छा हो तो मुझे पॉजिटिव रिजल्ट्स मिले। तो बस कोई बात नहीं, बस यही है कि इन टोटल
बिल्कुल अच्छा रहा। मैं हाँ एक जरूर चीज बोलूंगी कि मैं इस वीक में आपके साथ मेरे डे 1 वर्सेस डे 30 के सारे वीडियो शेयर करूंगी कि कैसे मैंने स्ट्रेंथ गेन की है, तो ये आपको लाइव रिजल्ट दिखेंगे कि फर्स्ट डे पे मैं कितना वेट उठा पा रही थी जिम में और अभी 5th वीक के एंड तक मैं कितना वेट उठा पा रही हूँ। तो आपको ये पता लगेगा कि अगर आप हेल्दी और न्यूट्रिशियस खाते हो, क्वांटिफाइड खाते हो, तो उसका रिजल्ट आपको सिर्फ अपनी बॉडी पे नहीं आपकी स्ट्रेंथ पे भी विजिबल होता है। तो बस वही दिखा, वही प्रूफ करने के लिए आगे के वीडियोज में मैं आपको मेरा बेंच प्रेस, लेग प्रेस और बैक बाइसेप सबका सबसे रिलेटेड वीडियोज आगे दिखाऊंगी, आपको देखना। यस, लेट्स मूव टू दैट पार्ट ऑफ द वीडियो। खत्म हो गया है, आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अब टाइम है टिप ऑफ द वीक, तो बस टिप में मैं यही बोलना चाहती हूँ कि डोंट यू नो गेट अपसेट विथ जीरो प्रोग्रेस डेज। बिल्कुल अपसेट होने की जरूरत नहीं है, ऐसा टाइम आता है सबके साथ, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपके साथ हो रहा है, वो सबके साथ हो रहा है कि ऐसे दिन आएंगे जब आपके जीरो प्रोग्रेस होगा, ना आपका स्केल में कुछ वेट स्केल में कुछ नंबर चेंज होगा, ना आपको इंचेस में रिडक्शन दिखेगा। कोई बात नहीं, हो सकता है बॉडी हीलिंग प्रोसेस में हो सकता है बॉडी किसी रिकवरी फेज में हो रहा, आपको नहीं पता, इट्स अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड मैकेनिज्म गोइंग इनसाइड योर बॉडी। तो कोई बात नहीं, हर बार एकदम एम सेट करना इज गुड, बट निराश होना इज नॉट गुड। ठीक है, आपने सेट किया, आपने अपना 100% दिया, हो सकता है कि उतना रिप्लाई आपको, उतना रिस्पॉन्स आपको नहीं मिला उस मेहनत का, तो कोई बात नहीं यार, ठीक है। ऐसा टाइम आएगा कि जितना आपने एक्सपेक्ट किया होगा उससे ज्यादा रिजल्ट मिलेगा, तो जब हम उस चीज में खुश होने के लिए रेडी हैं, तो इस चीज में उदास होने के लिए क्या, इतना उसको एक्सेप्ट करिए एंड अपनी कोशिश को छोड़ना मत, क्योंकि आप अगर छोड़ोगे नहीं तो आपको एक दिन पक्का रिजल्ट मिलेगा, ये इस चीज की गारंटी मैं आपको देती हूँ, ये श्योर बात है। तो बस यही छोटी सी टिप थी आज की और यहीं पे मैं अपना वीडियो खत्म करती हूँ। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो मेरे इंस्टाग्राम वाइब इनटू फिटनेस को जरूर फॉलो कर लीजिएगा, क्योंकि मैं वहां पे अपने डेली अपडेट्स देती हूँ, नई नई चीजें शेयर करती हूँ, तो वो आपके लिए हेल्पफुल होंगी। एंड येस, एट लास्ट बट नॉट लीस्ट, बिलीव इन द फिलोसफी ऑफ लविंग योर सेल्फ। बाय बाय।